got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three whole thoughts, three whole thoughts. Where that thing, bitches, I'm alive. You know they come strike, hold up. What it not, 45, still the clutch like, oh. How you fucking with these hoes? I pull up the greatest and now I'm selling all the shows. Doing this till I make it because he know I'm psycho. Got me yelling to play this because you fucking be the most like that. Break it down, bring it back, make it clap. I got three whole thoughts, three whole thoughts. Where that thing, bitches, I'm alive. And you know they come strike, hold up. What it not, 45, still the clutch like, oh. How you fucking with these hoes? I pull up the greatest and now I'm selling all the shows. Doing this till I make it because you know I'm psycho. Got me yelling to play this because you fucking be the most like that. Buzz it. I just put a fan girl blew it off of Russia. I spent 3K, what the fuck budget? Chrome hard G, 10K, can't touch it. Shake the hips that don't lie like Shakira. I'm so damn high in the coupe, I'm keto. I don't drink Tito's, only drink expensive liquor. Fucking on your bitch, I'm a great white stripper. You go, oh my god, you're underrated. तो और मैं भाई लोग क्या हाल चाल है, होपफुली सब बढ़िया है। देखो फाइनली आज अपन ने टोटल 10 अकाउंट्स को सक्सेसफुली कॉन्करर लगा दिया है ये वाले सीज़न में। अभी देखते हैं ये सीज़न में अभी थोड़े दिन और बाकी है तो और कितने अकाउंट्स में अपन कॉन्करर लगा पाते, आप लोग गेस करके बताओ। एंड आप लोग का रैंकिंग टीयर क्या चल रहा है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते। अभी देखो ये गेम जो है ना वो एकदम ही खतरनाक वाला रहने वाला है, क्योंकि मेरा कॉन्करर जो था वो ये वाले अकाउंट में हो चुका था। तो मैं डिसाइड किया था कि चलो पाँच के पाँच जो गेम रहते हैं ना वो रश खेलूँगा। चार गेम में तो मेरा कुछ हुआ नहीं, पहला गेम थोड़ा बहुत अच्छा गया, दूसरे गेम में दो तीन चार, मतलब अभी तक जितने भी गेम्स गए ना पाँच के पाँच गेम में मैं हैकर से मरने वाला हूँ। ये वाले गेम में भी एक हैकर से अपना पाला पड़ने वाला, एक थोड़ी सी हल्की सी मिस्टेक हो जाती जिसकी वजह से वो हैकर मेरे को मार देता है। अभी वो मिस्टेक क्या रहती वो आपको गेम देखने के बाद ही पता चले। अभी के लिए यहाँ पे एक बॉट आ चुका था जिसको कि अपन किल कर देते, यहाँ पे मेरे को एक डीपी भी मिल जाती, तो एकेएम प्लस डीपी का एक ओपी कॉम्बिनेशन मेरे को यहाँ पे अभी के लिए मिल चुका था। लेकिन अभी इधर क्या सीन होता है, यहाँ पे मैं लूट करते करते आ जाता हूँ आगे की साइड, लेकिन जैसे यहाँ पे पहुंचता हूँ मेरे को पता चलता है कि आगे साइड एक बंदा फायर कर रहा है जो कि एक बॉट को अभी जस्ट मारा था। तो मैं डिसाइड किया कि चलो सीधा इस पे पुश कर देंगे, अगर ओपन में बंदा रहा तो भाई उसको निपटा देंगे। लेकिन अभी यहाँ पे क्या सीन होता है, बंदा जो था वो इधर घर के अंदर चला जा चुका था। एंड भाई घर के अंदर जाके भाई बंदा बाहर भी निकल रहा था, शायद से उसको पता चल गया था कि मैं ऊपर की साइड आ चुका हूँ। एंड इसको पता भी होगा कि मैं यहाँ पे उतरा हूँ, तो बंदा जो है वो यहाँ पे हल्का सा भी एक फुटस्टेप नहीं देता। तो मैं डिसाइड किया कि चलो पीछे की साइड एक यूएस पड़ी थी वो उठा के सीधा इस पर पुश कर देंगे अपन। अब जैसे इधर मैं घर पे पुश करता हूँ बंदे ने भाई लिटरली एक भी फुटस्टेप नहीं दिया। एक टाइम के लिए मेरे को लग गया था कि भाई शायद से बंदा पीछे की साइड से भाग चुका था, लेकिन यहाँ पे मैं एक नेड करता हूँ और जैसे नेड करता हूँ ना तो जो नेड है वो उस पर तो नहीं जाता लेकिन भाई बाउंस होकर सीधा वापस मेरे पे आ जाता। तो मेरी जो हेल्थ थी ना वो इधर कम हो जाती, तो मैं जैसे तैसे अपनी हेल्थ रिकवर करके भाई वापस एक और नेड फेंकता हूँ यहाँ पे ऊपर। अब बंदा जो था वो इधर नेट से तो बच जाता है लेकिन हल्का सा हिल जाता है ना, तो इसकी मेरे को लोकेशन एग्जैक्ट पता चल चुकी थी, तो सीधा इस पर मैं पुश करने आ जाता हूँ, इजीली इसको किल कर देते। उसके बाद यहाँ से भाई लूट वूट करके वहाँ से बंदों की तलाश में भाई मैं झरझो पुल तक पहुँच चुका था। अभी तक मेरे को यहाँ पे एक भी बंदा नहीं दिखा था, लेकिन जैसे यहाँ पे पहुँचता हूँ मेरे को एक ग्लाइडर का साउंड आता है इधर। अब बंदा जो था वो इधर ग्लाइडर लेके भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाई अपन खाएं इसको जाने देने वाले थे। इजीली भाई अपन सीट चेंज करके इस पर स्प्रे लेता इसको निपटा देते। उसके बाद लेफ्ट साइड में एक ड्रॉप गिरा था, तो मेरे को लगा कि यार यहाँ पे कोई ना कोई बंदा हो सकता है। सबसे पहले तो मैं ड्रॉप को चेक करने आता हूँ कि यहाँ पे कोई बंदा ना हो। लकीली यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं रहता, आसपास पे भी भाई सामने वाले स्क्वाड हाउस पे भी कोई बंदा नहीं रहता। तो मैं डिसाइड किया कि चलो जितना जल्दी हो सके ड्रॉप लूट के यहाँ से निकलेंगे। एंड लकीली भाई ड्रॉप के अंदर से एमके मिल जाती। ऊपर से मैं इधर रश खेल रहा था तो भाई क्या ही मजा आने वाला है वो तो आप समझ ही सकते। अभी के लिए ये ड्रॉप लूट के भाई बंदे की क्रेट वेट लूट के अपन आ जाते वहाँ से रोजोक की साइड। अभी भी 19 बंदे अलाइव थे, तो अभी भी मतलब थोड़ा बहुत एक रहता है कि बंदे कहीं ना कहीं तो मिल जाएंगे। अभी जैसे यहाँ पे आता हूँ लेफ्ट साइड में मेरे को एक बग्गी लगे हुए दिख जाते। मैं समझ गया था कि चलो घर में कोई ना कोई बंदा होगा, तो मैं आगे वाले रिच पे जाके होल्ड लगा के भाई वहाँ पे नेड वेट करने का ट्राई करूंगा। अभी जब भी मैं रश खेलता हूँ ना तो मैं जितने ज़्यादा हो सके ना उतना ग्रेनेड्स उठाता हूँ। जैसे यहाँ पे आता हूँ भाई मेरे को बंदा दिख चुका था, एंड अभी इधर मेरे को बंदा ग्लिच से भी दिख जाता है, तो मेरे को बंदे की एग्जैक्ट लोकेशन पता थी इधर।
पहला नेट फेंकता हूँ, बंदा डैमेज हुआ लेकिन बंदा निपटा नहीं। जैसे ही भाई दूसरा नेट इधर खींचने जाता हूँ, बंदा जो था वो इधर भाई सीढ़ियों पे चला जाता है। तो दूसरा जो नेट है ना वो कुछ ज़्यादा ही मैं कुक करके डाल दिया था। तो अभी इधर बस तीसरा नेट देखूँ, एकदम ही परफेक्ट नेट के साथ ये बंदे को भी निपटा देते। अभी यहाँ पे दो क्रेट्स पड़ी थी, एक तो यहाँ पे मेरे पास में पड़ी थी एंड वो बंदे की भी क्रेट थी। तो दोनों क्रेट्स लूट के भाई जितना भी सामान मिलता है वो सब कुछ लूट के मैं आ जाता हूँ जोन के सेंटर की तरफ। अभी के लिए सामने की साइड एक फ्लेयर चली थी, यहाँ पे एक भग्गी वाला बंदा भी आ जाता है, लेकिन अपने को क्या था, अपने को तो रशी खेलना था। अभी के लिए मेरे को बंदे के लोकेशन नहीं पता था, लेकिन जैसे मैं इधर कूद के देखता हूँ तो मेरे को पता चलता है कि बंदा जो है वो इधर मेरे पे नेट गनने का ट्राई कर रहा है। नेट जो है वो इधर अच्छा हुआ कि मैं थोड़ा सा टाइम रहते भाई यहाँ से निकल गया, नहीं तो इधर थोड़ा सा सीन हो सकता है। अभी के लिए ये बंदा जो था ना वो इधर मेरे पे रश करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन उसको भी पता था कि मेरे पास एमके है, तो बंदा इतनी आसानी से मेरे पे पुश नहीं करने वाला था। लेकिन अभी इधर क्या सीन होता है, पीछे साइड एक बंदा रहता है फ्लेयर वाला जो कि इधर मेरे को अच्छा खासा डैमेज दे देता है। जितना जल्दी हो सके मैं सबसे पहले तो कवर में आ जाता हूँ और अभी के लिए अपने आप को हेल्थ मार लेता हूँ। लेकिन हेल्थ मारने से पहले मैं एक मॉली कर देता ताकि वो बंदा इधर फर्स्ट एड का साउंड सुन के मेरे पे रश करने ना आ जाए। अभी के लिए भाई मैं इधर थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन में था क्योंकि नीचे की साइड भी एक बंदा था, अगर उसको मारने जाता तो पीछे की साइड से भी स्प्रे आ सकता था। तो मेरे को अभी एक अपॉर्चुनिटी का वेट करना था। बंदा जो था ना वो इधर धीरे धीरे सामने की साइड जो कंपाउंड था वहाँ पर चला जाता है इधर से। अब यही सबसे बड़ी गलती थी बंदे की कि बंदा जो है वो सामने वाले कंपाउंड में चला जाता है। अभी वो इधर दोनों तरफ से फंस चुका था, अगर बाहर के साइड आता तो भी मैं उसको मार देता एंड अगर वह घर के अंदर ही बैठा रहता तो मैं इसको नेट से उड़ाई देता। अभी पहले नेट से बंदा बच जाता है, लेकिन अभी इधर दूसरा नेट देखो, इजीली नेट से बंदा फट जाता है। लेकिन सामने वाले बंदे का भी ड्रॉप भी आ चुका था तो वो इधर लूटने भी जाने वाला था। तो मैं सबसे पहले आ जाता हूँ ये बंदे को लूटने। ये बंदे के पास इधर ओम रहती और अभी इधर क्या सीन होता है, सामने की साइड जो बंदा था ना वो इधर लूटने के लिए ऊपर की साइड चढ़ता ही है कि उसके पीछे की साइड से एक बंदे का बैरल का स्प्रे आता है और एकदम ही एक्यूरेट स्प्रे था। तो ड्रॉप वाले बंदे को इधर निपटा दिया जाता है और अभी जिस बंदे ने उसको मारा उसको मैं देख नहीं जाता हूँ कि ये बंदा इधर मेरे पे स्प्रे लेने लगता है। तो जिस तरीके से इसके स्प्रे आ रहे थे मैं समझ गया था कि भाई बंदा क्या है क्या नहीं। तो अभी सबसे पहले तो भाई कवर में जाना चाहिए। अभी बंदा मेरे को गड़बड़ लग ही रहा था तो मैं डिसाइड किया कि जितना जल्दी हो सके ना पहले तो कवर में जाओ। ये बंदे के पास इधर ओम थी तो मैं डिसाइड किया कि वन शॉट वन किल का ट्राई करते, क्योंकि हैकर को ऐसे तो थोड़ा स्प्रे लेके मारने का ट्राई करूँगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। लेकिन अगर ओम का एक ही हेड लग गया तो वो बंदा उधर ही निपट जाएगा। अब इधर क्या सीन होता है, कि जो हैकर था ना वो इधर मेरे को सामने की साइड दिख जाता है। अगर थोड़ा सा ओम जो थी ना वो उसको थोड़ा सा ऊपर रखता ना तो पक्का इसको हेड लगता। फिलहाल के लिए इसको बॉडी लग चुका था तो बंदा जो था वो इधर कवर में चला गया था। अभी इधर बंदा जो है वो कवर से तो निकलने वाला है नहीं, क्योंकि उसको भी पता है कि मेरे पास ओम है तो वो रिस्क भी नहीं लेगा। अब यहाँ पे कोई ये मत बोलना कि देखो वो बंदे का लोकेशन किस तरह से पता चला। तो ये बंदा थोड़ी देर पहले वहाँ पे यूजी का स्प्रे लिया था, वो जो सीन था वो इधर मैं कट कर दिया क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाने वाली थी। अभी के लिए अगला जो सीन था ना वो इधर वापस से आगे साइड शिफ्ट हो जाता है तो मैं को समझ में आ गया था कि चलो अभी ओम तो इधर कुछ काम आने वाली है नहीं, तो जितना जल्दी हो सके ना अपनी M4 वापस से उठा लो, नहीं तो फिर मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी क्योंकि MK अगर रीलोड पे लग गई तो फिर भी अलग सीन हो जाएगा। तो इससे अच्छा M4 प्लस MK चलाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे मैं ओम उठाता ना तो थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा एडवांटेज मिलता इधर। लेकिन अभी क्या सीन होता है वो आपको आगे देखने के बाद ही पता चलेगा। अभी इधर जोन स्टार्ट होने में ज़्यादा टाइम था नहीं तो मैं अपनी बग्घी उठा के आगे साइड निकल जाता हूँ यहाँ से। अभी के लिए अपन आ चुके थे लास्ट जोन में। जोन जो था वो इधर थोड़ा बहुत मेरे पे ही था तो मैं सोचा कि यहाँ पे होल्ड लगाऊंगा। जो हैकर था ना वो इधर नीचे की साइड ही था तो शायद से मेरे को हाइट का एडवांटेज मिल सकता है यहाँ पे, और ऊपर से मैं उसको मारने का भी ट्राई कर सकता हूँ। यहाँ पे थोड़ा बहुत एडवांटेज तो रहेगा ही रहेगा मेरे पे। तो अभी हैकर तो इधर मेरे सामने की साइड ही था, वो इधर मेरे पे स्प्रे भी लेता है लेकिन मैं इधर थोड़ा सा रिच का एडवांटेज में था तो वो मतलब उसकी गोलियां मेरे को नहीं लग रही थी। लेकिन अभी यहाँ पे मेरे से गलती हो जाती जिसकी वजह से मतलब आगे जाके सीन होने वाला है वो देखो।
अभी हैकर जैसे मेरे को इधर स्पॉट होता है तुरंत ही खड़ा होकर उस पर स्प्रे लेता हूँ, लेकिन वो इधर हल्का सा रिज में था तो सारी की सारी गोलियां उसको नहीं लगती। अब इधर मेरी गलती क्या रहती, वो लेफ्ट साइड में जो बंदा था अगर उसको नहीं मारता तो शायद से इधर मेरे चांसेस थोड़े से बढ़ जाते, क्योंकि वो बंदे का पूरा फोकस वो लेफ्ट साइड वाले बंदे पे था। अगर उसको नहीं मारता तो वो उसका ध्यान मेरे पे नहीं जाता तो मैं आराम से जोन में पहुंच जाता, लेकिन क्या ही कर सकते अभी। सो बस यही था आज के लिए गेम प्ले, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर कहीं से भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब तो मार ही देना, एंड अगर वीडियो को ज्यादा पसंद है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल गाइस। Again.